आज अब्बा के कैराम पे लोग ने किए हैं कब्जा और जीरक खेल रही है कैरम। हाँ मैंने एक डाली। हम लोग बचपन में बहुत खेले कैरम तो तू लेकिन ऐसा स्टैगर पकड़ के थोड़ी बैठती है, थोड़ा आराम से बैठ, आराम से बैठ। बाय बाय होता है। चलो गाइस तुम लोग एंजॉय करो और भाई कैरम को कुछ नहीं करना, समझ गई? नहीं तो अब्बा अब्बा क्लास लेंगे फिर। सबसे बड़ा खेली तो भाई है। मैं कहाँ खेली भाई? मैं थोड़ी हूँ। नहीं मैं नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ भाई। अब्बा 24 घंटा खेलते तो भाई 2 घंटा दिन में खेलता ही है। हाँ वो एक बात अलग है कि अपना डेली का रूटीन है, मेरे डेली रूटीन में आता है भाई कैरम। ये देखो दूर वाला पीछे हटाते हुए, ये अब्बा का नाम खराब करते हुए। अरे ये देखो गाइस हम लोग का यहाँ पर कैरम चालू है तो इन लोग ने भी यहाँ चालू कर दिया। देखो इन लोग का भी चालू हो गया। हाँ तुम लोग भी खेलो, हाँ अच्छे से खेलो। अरे अबे 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 हाथ, ये क्या बात हुई, ऐसा कौन खेलता है? कैसे आप सब? देखो तो आपा आइए मस्त एकदम, वो दिखते रहता है तो हो ना, डाइट चालू करना, डाइट चालू कर अच्छे से हो एकदम सेटल। उसका मुझे टेंशन नहीं होता बैठकर। हाँ तो वो भी अच्छी बात है, क्या बोलता है यूसुफ? हाँ मैं कल कर लेना, रोज का इसका, इसको तो रोज जाने का रहता है। बैकग्राउंड ब्लर है, सही रे है ना? ये सही है ना, कान वान भी नहीं कट रहे, कुछ भी नहीं कटेगा, सब सही है। देखो मैं भी नहीं कट रही। अरे वाह यही सही, एकदम डीएसएलआर मोड सही है। क्या कर रही है नूर? मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। चिकन का सालन और यहाँ पर रोटी भी बनने वाली है। अभी हम लोग के घर में ना थोड़ी रोटियों का मसला चालू हो गया है ना, पहले रोटियां नहीं बनती थी, पहले नहीं बनती थी। हाँ तो जाना बाबा, तेरे को कौन मना किया? अभी सब आइए तो उनको नाश्ते के लिए रोटी, वो लोग घर पर रोटियाँ ही खाते थे ना, फिर मैं उनको थोड़ा बहुत ये वो भी खिला देती हूँ, खा लेते वो। तो मैंने बोले कि रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दो, सब लोग खाएंगे, एक के बहाने सब खाएंगे, तो शुरू कर दिए रोटी बनाना। हाँ तो गाइजो यहाँ पर बन रहा है नूर का सालन, चिकन का सालन, और ये इसका कुछ रेडी हो रहा है। ओके कांदा लाल हो रहा है मेरा। यहाँ पर मैंने तिल खसखस और खोपरा भून के रखी हूँ, अभी इसको पीसूंगी। ये जब तक अदरक लहसुन में भूनूंगी आपको बुलाऊंगी। पपाइये के चक्कर में फ्रिज खोल के रखा है, पूरे कूलिंग खराब कर रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा रात दिख जाता है अपने ऐसे खोल के। तू ब्लॉग नहीं बना रही? मेरा ना एक्चुअली मेरे बच्चे की तबीयत ना 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरा मन ही नहीं करता, जब बच्चे भी मारेंगे ना मेरा काम करने का मन नहीं करता। तो अभी भी उसका थोड़ा तबीयत ठीक लगा तो मैं अम्मी के जरिए लेकर आई इसको। मैंने चल भाई तेरे ब्लॉग में मैं दिख जाती हूँ, मेरे को भी ऐसा थोड़ा हो रहा था, लेकिन मैं अपना ब्लॉग इसलिए नहीं शुरू करी क्योंकि शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पे आधा दिमाग कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ना, जरूर बिल्कुल। तो मैं दिमाग नहीं बढ़ता चाहती जब तक आदम पूरी करेगा, ठीक नहीं होता। और भाईजान सब ठीक? अस्सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। हाँ तो आपा मैं क्या बोल रहा था, एक ना एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि देख मैं रियाज की शादी की वजह से रुका हुआ था अभी तक, मेरे को ना मम्मू के 2 काम पेंडिंग है। एक तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया अभी तक, मेरे को बनाने का है। शादी कराएंगे उसकी, दूसरा काम शादी है। नहीं नहीं दूसरा काम इतनी शादी नहीं है भाई, मुझे पता है खतना करवानी है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं फटाक से जाके वो भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, लेकिन ना हाँ मेरे को मालूम है। हाँ बोलना। तो मेरे को ये बोलना है कि यही मुद्दे पे मुझे बहुत सारे बड़े लोगों ने सलाह दी है, मशवरा किए, इवन सब सना आपा भी और मदर की अम्मी भी और अपने खुद के व्यूअर्स जो बड़े बड़े अपनी एज में, वो लोगों ने ये बोला कि अभी आदम की खतना मत कराओ, क्योंकि बच्चे की सुन्नत करानी है तो 100 महीने के अंदर करो ना, वो करवट लेते ना खिसकते, उनको जैसा छोड़ा जाता है वो वैसे रहते। हाँ। अब बच्चे ढुमकने लग गए, करवट लेने लग गए, हिलने लग गए, तो वो अपना जख्म संभाल नहीं पाएंगे और वो इतना रोएंगे कि आप उसको देखकर आपके आंसू भी नहीं रुक पाएंगे और वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अभी रुक जाओ, वो जब 1 साल का हो जाएगा, खड़ने लायक का हो जाएगा, चलने लायक का होगा, तब करो ऐसा बोलो।
गर्मी करेगा तो फिर बोले कुछ नहीं कर सकते, अपन मौसम का इंतजार कर रहे थे ठंडी का, अब मौसम का इंतजार करते करते ये मौसम के बाहर निकल गए लोग। ये देखो इन लोग दोनों यहाँ बैठे हुए अपने चुन्नू मुन्नू। तो मैं क्या कह रहा था कि दो तीन दिन में सेटल हो जाता है, अगर अपन ध्यान रखने पाएंगे ना तो दो तीन दिन में हैंडल हो जाएगा। मैंने यूसुफ की 40 दिन के अंदर कराए थे हम लोग, इसका जब जब मैंने प्लान इरादा किया ना कि चलो इसकी खतना करते हैं, वो टाइम पे इसकी तबीयत खराब हुई, और भी तबीयत दो दो तीन तीन दिन के लिए खराब हो जाती है। ये चीज कोई समझे थे या नहीं समझे, लेकिन अपने को मालूम है कि ये 2023 का साल बहुत बिजी था पूरी जिंदगी में, और ये बहुत अच्छा भी है। स्टार्ट किया स्टार्ट से सब कुछ अच्छा हुआ, तो मैं बोलूं 2023 देख मैं ना सच्ची बोलूं ना ये हफ्ते मेरा प्लान था, फिर अम्मी ने मेरे को बोले कि आपा का ही भी इरादा है, नूर ने भी बताई कि इन लोग दोनों को साथ में कराएंगे। हाँ पहले से ही इरादा था साथ में कराएंगे। तो तू मेरे को क्लियर कर अब कि तू 1.5 साल का होने तक का रुकने वाली क्या कराएगी साथ में। हाँ मेरे को ना साथ में कराने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो इन लोग करा सकते हैं, शेरू बराबर बोल रहा है कि 2-3 दिन का मामला अगर अपन ध्यान देंगे तो हो जाएगा, पर मेरा मामला ऐसा है यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, कब्रेस के साथ एक जन भी अगर अटेंशन लगा के बैठा तो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, बट मेरे घर में मैं अकेली रहूंगी, आपके भाई तो जाते हो जॉब पे ड्यूटी पे सुबह जाओ रात में हो, उसमें के स्कूल ये सब में तो वो नॉर्मल है तो मैं नहीं देख पाती दिन भर, अब वो ऐसी तकलीफ में मैं 24 घंटे मैं अकेले कैसे देखूंगी 2-3 दिन। तो एक ऑप्शन का तेरे को सोल्यूशन दूं मैं, तू 2-3 दिन के लिए आ जाए यहाँ पर, दोनों चीख पुकार चिल्ला पुकार कर लेंगे ना, मिल जाएगी भी वैसी ना, अभी एक का भी तो होने ही वाला है ना, दोनों का हो जाएगा। भाई जान की हंसी दिख के आ रही है जब मैंने बोला आप 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ इस मुद्दे में आ जाता नहीं, मैं देखो अभी मैं बोल रही हूँ आइडिया यही पे चिट, आइडिया यही पे चिट, हर बार तकलीफ का जब मोड़ आया जब जिम्मेदारी की बात है तो नाजिया अकेली होती है या तुम इधर पड़ी रहती है, आपके भाई जान जॉब पे ही रहते, इस बार तो आपके भाई जान अपने बेटे की तो जिम्मेदारी लेगी उधर देख के। भाई जान एनी कमेंट, एनी कमेंट, मैं फंसा के चली जाती हूँ, बोलो बात करो। देखो मैंने अभी रिसेंटली छुट्टी लिया था, आज भी डिलीवरी के टाइम में छुट्टी लिया था, इसकी शादी में छुट्टी लिया था, तो बाबा छुट्टी मिलेगी नहीं, ठीक है सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आ जा 2-3 दिन रह ले, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ 2-3 दिन परेशान रहूं और तुम मजे मारो 2-3 दिन। मैं क्या मजे, मैं काम पे जाऊंगा, मैं बोला इन लोग को डिसाइड, मैं क्या मजे करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, चलेगा ठीक है आपने सही बोली, 2-3 दिन तू ले ले, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। गाइस आप लोग मुझे बताना मैं सही हूं क्या गलत हूं, हर टाइम देखो मैं अभी देखो ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा नहीं खींचूंगी, लेकिन आप लोग ये बताना बात हो ही रही है, तो सीजर भी हुआ था ऑपरेशन के बाद छट्टी करके 7 दिन पे आपके भाईजान काम पे चले गए थे, तभी भी बच्चों को लेकर हर चीज मैंने देखी, अब आजम के टाइम पे खतना में भी आपके भाईजान नहीं रहेंगे तो बाप कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना माँ का। भाई भाई सच्ची बताओ बच्चे लोग को पकड़ने के टाइम पे तो भाईजान नहीं लगेगा, तो मैं नहीं खड़े रहने वाला, मेरा भी दिल था उस दिन मैं नहीं खड़े रहने वाला, जो उसको मैं भाई को ना ये काटा पीटी खून से ना भाई। मेरे सामने ऐसा कटिंग सटिंग होती है ना तो मेरे को चक्कर आता है और मैं जगह पे, और मेरा उल्टा है, मेरा ऐसा है कि मैं बच्चों को अभी भी नॉर्मल जो उसको 2-3 दिन से बुखार है कफ है तो उसको रोता देख देख के मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा है, और उसको इतनी तकलीफ में मैं देख तो लूंगी, एक माँ होती है जो यूसुफ के टाइम पे अब्बा गए थे ना, पर लेकिन 24 घंटे बाप के बिना तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है देखना, ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से मैं बोल रहा हूँ इन लोग दोनों को आपस में डिसाइड करने देते हैं, आप लोग बताना मैं गलत देखो करने वाला कैसे भी करता है बस है ना वो पीछे से ऐसा धक्का देना पड़ता है, लेकिन मैं देती नहीं ना जल्दी, रियाज ये सब एक्सपीरियंस तेरे काम आने वाला है, तो काम आने वाला है इधर दोनों तू घूमने फिरने जा रहा है कि नहीं जरा शेयर कर तेरा भी, हम लोग देखो अभी रियाज तो ब्लॉग बनाता है नहीं, तीसरी घुमागी के बाद इंशाल्लाह सनीचर को निकल जाऊंगा, और डेली तो भी तो तुम लोग जा रहे भाई घूमने, जो ब्लॉग में थोड़ी कवर होगा, हम लोग हाजी अली गए, माहिम गए, वर्सोवा की दरगाह, वो तो हम लोग फैमिली गए, हाँ ऐसा तो लग रहा पब्लिक को कि हम लोग भी चले जा रहे तुम लोग के साथ घूमने, नहीं नहीं भाई सच बोलूं तो देखो मेरे को मजा सबके साथ आता है, मैंने ना ऐसा मतलब सोचा ही नहीं कि मैं उसको घूमने लेके जाऊँ, नहीं मेरे को फैमिली पूरी चाहिए, तो ये मेरा डिसीजन है कि सब चलो कहाँ जा रहे थे, लेकिन तू भी तो जा रहा है, हम लोग तेरे को नहीं छोड़ रहे, मॉल गए थे, कार्ड भी बनाया था मैंने, आधा उसमें से भी बचा के लाया के, सब जब जाएंगे ना तब खेलेंगे, हम लोग अकेला छोड़ रहे इसको कि भाई जाओ घूमो फिरो मजे करो, अब वो तो तुम लोगों को स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम लोगों को बिहाइंड द स्टोरी शेयर करो, मॉल गए थे और आक्सा बीच भी गए थे, हाँ बहुत सी जगह घुमाया बीच, तो ऐसा चालू है डेली टूर भी चालू है, फिर फैमिली टूर भी चालू है, और अलग टूर बाकी है, हाँ जो मेन है मेन बड़ा वाला, बड़ा वाला बड़ा वाला आज अरे बोलना मामा उसमें ये क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें होटल ये क्या है, इतना बड़ा घर बस्ती हो रहा है।
छोटा सा घर छे लोग ये लोग का घर बने लाए बस बने रेंदो रेंदो खेलने दो खेलने का घर है खेलो खेलो मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए तो मैं बोला पहले तेरे से मिल लेता हूँ कहाँ तक ये पहुँची तेरी रेसिपी। दाल बन गई है कोतनीर मार के और चाय भी बन रही है सबके लिए नहीं हम लोग के लिए। ओ सालन बन रहा है क्या बात है आ रही है आ रही आ रही आ रही आ रही है अरे आ रही बाबा आ रही आ रही। तो मैं जाऊँ मूवी देखने के लिए मैं जाता हूँ ठीक है। यू गाइज कैरी ऑन विथ आपा ठीक है। चाय पी के जा रहे हैं नहीं जा रहे?